प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो डियर, यहां पे नई अपडेट जारी किया गया है। आज के न्यूज़पेपर में ये नोटिस या इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं कि जारी किया गया है, जिसमें बताया गया कि मुख्यमंत्री के कड़े रुख के बाद मुख्य सचिव की सभी DM को हिदायत। जमीन सर्वे सरकार की शीर्ष प्राथमिकता, हर 4 मौजे पर एक अमीन तैनात होंगे, ये यहाँ पे बात किया जा रहा है। अगले माह से पूरे बिहार में तेज़ होगा काम, यानी जो सर्वे का काम है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आपका किया जाने को लेकर प्राथमिकता दी जा रही है, बताया जा रहा है। इसमें अगर डिटेल में जानेंगे तो बताया जा रहा है कि जमीन सर्वे अब सरकार के शीर्ष प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साफ निर्देश है कि जून 2025 तक यह काम हर हाल में पूरा हो जाना चाहिए। लक्ष्य को देखते हुए विभाग ने 4 मौजे यानी राजस्व गांव पर एक अमीन तैनात करने का निर्णय लिया है। CM के कड़े निर्देश के बाद हर सप्ताह DM को सर्वे की प्रगति रिपोर्ट राजस्व मुख्यालय को देनी है। काम की गति तेज हो इसके लिए मुख्य सचिव ब्रजेश मल्होत्रा ने सभी DM को सुनिश्चित करने को कहा और सर्वे कार्यालय अंचल कार्यालय के समीप ही खुले ताकि लोगों को सहूलियत हो। जमीन के नक्शे शिविर कार्यालय में उपलब्ध होने चाहिए। सर्वे शुरू हो रहा है, इसका सभी गांव में जमकर प्रचार प्रसार हो, लोगों को स्व घोषणा पत्र दिया जाए, ज़रूरत पड़े तो अंचल के कर्मचारी को भी इस काम में लगाया जाए। विभाग ने मौजों का जमाबंदी की संख्या के हिसाब से छोटे हो या बड़े मौजों में बांटा है। छोटे मौजों का सर्वेक्षण पूरा होने के बाद ही बड़े मौजों में जमीन का सर्वे शुरू होगा। नवनियोजित 9,888 विशेष सर्वेक्षण कर्मी को गुरुवार से ट्रेनिंग शुरू हो गई है। आपको पता है कि मैंने कल ही अपडेट दिया था जिसमें मैंने बताया था कि कुछ ज़िला में आपका जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो चुका है और कुछ ज़िले में आज यानी 12 जुलाई से आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। अब मास्टर ट्रेनर हैं ऐसे सर्वे कर्मियों की संख्या जो है 3,730 है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि विधानसभा चुनाव के पहले जमीन सर्वे पूरा करने का लक्ष्य है। इसके लिए बड़े पैमाने पर विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की तैनाती की गई है, ये यहाँ पे अपडेट दिया जा रहा है। यह 3 सप्ताह तक चलेगा, मतलब आपका 21 दिन तक पूरा ट्रेनिंग होगा। 6 दिन का आपका सैद्धांतिक और 11 दिन का व्यवहारिक ट्रेनिंग होने के बाद आप सभी का जो भी अंचल है वो वहाँ पर आपको दिया जाएगा और उसके हिसाब से आपको जमीन सर्वे करनी होगी। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। नए 10,101 कर्मियों की तैनाती, अब सभी 45,000 मौजों में सर्वे काम शुरू हो जाएगा, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू।